चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। 9 दिनों तक देवी माँ की भक्त पूजा करते हैं और मंदिरों में विशेष तैयारियां भी की गई हैं और आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है। बता दें, आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। कोरोना के 2 साल बाद आज धूमधाम से चैत्र नवरात्रि मनाई जाएगी। मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लग गई है। हालांकि मंदिरों में विशेष तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्रि का आज बता दें पहला दिन है और आज से ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार सुबह ही देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। बता दें 2 साल बाद चैत्र नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि कोरोना के चलते मंदिरों में प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं की जा रही थी। लेकिन अब कोरोना के बाद चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और मंदिरों में भी विशेष तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार भी सुबह से ही देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठ रहे हैं। बता दें 9 दिन तक देवी माँ की पूजा की जाती है, तो वहीं भक्तों में, श्रद्धालुओं में चैत्र नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। हालांकि चैत्र नवरात्रि को लेकर विशेष तरह की तैयारियां कर ली गई हैं, पूरी तैयारियां हो गई हैं। आज पहला दिन है तो वहीं देवी माँ के जयकारों से मंदिर गूंज उठ रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें ताता देखने को मिल रहा है, तो वहीं बता दें नवरात्रि का आज पहला दिन है। मंदिरों में विशेष तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक देवी मां की पूजा की जाएगी और पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों का ताता दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी दतिया से रवि रायकवार, सतना से वेंकटेश द्विवेदी, आगर मालवा से मनीष मारू और भोपाल से अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अमितांशी जोशी का, जो कि इस समय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। अमितांशी, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ खास तैयारियां कर ली गई हैं मंदिरों में? जी बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आस्था की कितनी भारी भीड़ है। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल स्थित काली माता के मंदिर में, जहांगीराबाद में जो स्थित है, और यहाँ पर भक्तों की कितनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी क्योंकि यहाँ आज जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 2 साल बाद, लगभग 2 साल कोरोना के बाद जो ये चैत्र नवरात्रि मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो काली मंदिर है, इसकी आस्था बहुत ज़्यादा है भक्तों में क्योंकि ये काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी आस्था है लोगों की। दूर दूर से जो भक्त हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 साल बाद कोरोना के, क्योंकि हर साल इस समय पहली लहर दूसरी लहर ने लोगों को बहुत झकझोर के रख दिया, लेकिन इस साल कोई भी कोरोना की टेंशन नहीं है और लोग यहाँ पर बहुत ही भारी आस्था लेकर, भारी भीड़ में यहाँ पर पहुँचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी लगातार यहाँ पर भीड़ है, कितनी लंबी लंबी कतारें हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि दर्शन करने आए हैं। सुबह से यहाँ पर भक्तों की आस्था की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि 2 साल बाद कोरोना के, लोग इतनी खुशियों के साथ माता की पूजा करने पहुंचे हैं, पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना उत्साह है 2 साल बाद कोरोना के त्यौहार इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या उत्साह है आप लोगों के बीच? बहुत एक्साइटेड मैं, मतलब 2 साल माँ के ना मिलना कितनी बड़ी बात है और अब इस बार खुला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो लोगों का यही कहना है कि 2 साल बाद ये मंदिर खुले हैं, वो मंदिरों में दर्शन कर पा रहे हैं क्योंकि 2 साल से लगातार मंदिर बंद थे। मैम, 2 साल बाद मंदिर खुले हैं, कितनी खुशी है माता के दर्शन करने की? मैम वो तो कोई नहीं बता सकता कितनी खुशी है,
इतने दिन बाद दर्शन दिए माता रानी ने, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बस बहुत अच्छा। क्या कामना लेकर आई हैं आज आप माता की? बस माता सभी के भंडार भरे रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, यही कामना करते हैं बस भगवान से। बस लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि दो साल बाद करेंगे आगर मालवा का, जहां से मेरे सहयोगी मनीष माधव हमारे साथ मौजूद है। मनीष, कोरोना काल के बाद ये चैत्र नवरात्रि का दिन है, आज पहला दिन है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसा उत्साह श्रद्धालु में दिखाई दे रहा है इस समय मंदिरों में? चलिए सीधा रुख करते हैं हम दूसरे संवाददाता का, दोबारा से हम भोपाल चलते हैं, अमृतांशी से सवाल लेते हैं। अमृतांशी, जरा वहां पे हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कैसे तैयारियां की गई हैं, क्या विधि विधान से पूजा की जा रही है, जरा पंडित अगर वहां मौजूद हैं जरा उनसे बात करके बताइए। शायद अमृतांशी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, चलिए सीधा रुख करते हैं दतिया का, दतिया से मेरे सहयोगी रवि राय कवार मौजूद हैं। रवि, आखिर दिखाइए कि इस समय मंदिर में क्या माहौल है, किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वहां पर? जी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी भीड़ लगी हुई है और आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, दो साल बाद कोरोना के बाद, और यहाँ श्रद्धालु का काफी उमड़ा, जल सैलाब भी उमड़े क्योंकि शक्तिपीठ है और दूर दराज से लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, यहाँ अपनी मनोकामना ही पूर्ण करते हैं। नवरात्रि विशेष यहाँ पूजा अर्चना भी की जाती है नवरात्रि के दिन पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है आपको, सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े हैं जो कि दूर दराज से आए हैं, और यहाँ एक भक्तिमय आनंद दतिया की धार्मिक नगरी में देख सकते हैं आप तस्वीरों में। हमको श्रद्धालुओं से भी यहाँ बात कर लेते किस तरह से आए हैं और कहाँ से आए हैं। सर कहाँ से आए आप? सर ग्वालियर, ग्वालियर टेकनपुर। नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, दो साल बाद कैसा लग रहा है? सर वो तो हर साल आते ही रहते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। टेकनपुर ग्वालियर, दो साल बाद बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या मनोकामना मांगने आए? सर जो तो अपनी इच्छा होती है वो तो मांगते हैं। कहाँ से आया? मैं कानपुर से आया हूँ, पहली बार आया हूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको दतिया? बहुत अच्छा लगा, शक्तिपीठ स्थल जी, बहुत सुना था माता जी, काफी माहौल बन गया है। पीताम्बरा माँ का पहली बार बहुत सुना था तो इस वजह से हम लोग आए। तो के दो साल बाद जो कोरोना के बाद स्थिति बनी है वो धार्मिक नगरी में बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है। दतिया में पीताम्बरा पीठ अपने आप में एक पहचान है, शक्तिपीठ स्थल है, इधर देश विदेश से भी श्रद्धालु है दर्शन के लिए आते हैं। हम दिखाएंगे आपको किस तरह से लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु यहाँ खड़े हुए देख सकते हैं तस्वीरों में। शुरू करते हैं सतना का, जहाँ से वेंकटेश द्विवेदी मेरे सहयोगी मौजूद है। वेंकटेश, आज नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिरों में किस तरह से पूजा की जा रही है, क्या माहौल है मंदिरों में इस समय वहाँ पर? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि चैत्र नवरात्रि का ये पहला दिन है आज, और जैसा कि हमेशा से यहाँ पर नवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में पहले दिन से ही श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन कोरोना काल, पिछले दो साल के कोरोना काल में यहाँ मंदिर प्रांगण पूरी तरह से बंद रहा। अब वो श्रद्धालु जहाँ पर कि आपको बता दूं कि बावन शक्तिपीठ में से मैहर शारदा शक्तिपीठ का अपना एक अलग महत्व है, जहाँ पर कि माँ शारदा माता सती का हार गिरा था और उसके बाद से यह माई हार हुआ और उसके बाद अपभ्रंश के बाद मैहर के नाम से जाने लगा, और यही वजह है कि पूरे देश में अपनी एक अलग आस्था का केंद्र है और यहाँ पर हमेशा ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते रहे, लेकिन कोरोना काल के दो साल में यहाँ पर श्रद्धालु नहीं पहुंच सके, और यही वजह है कि इस बार पहले दिन ही लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं यहाँ पर, करीब 1100 बल तैनात किया गया है। उनसे बात करके बताइए वो कितने उत्साहित हैं चैत्र नवरात्रि को लेकर। हम इनसे बात करेंगे कि आप कितना उत्साह है आपके? बहुत अच्छा लगता है, रात में लगे थे यहाँ पे, हम दतिया से आए माँ के दर्शन करने, दतिया जिले से आए। क्या लग रहा आप दो साल बाद यहाँ आ रहे हैं? दो साल बाद आ रहे हैं,
और लाखों से संख्या बहुत अच्छी भीड़ हो रही है। हमने दो साल बाद पहली बार देखा, इतनी रातों से लाइन में लगे हैं जब माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए रातों पूरी रात से लोग यहां पर लगे हुए थे और अब जो है तो इनका नंबर आया है। मैं आपको बता दूं यहां पर माता के दर्शन के लिए ये वैन की व्यवस्था है जो कि 600 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए इस वैन की व्यवस्था है। इसके अलावा रोपवे का भी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, रोपवे के माध्यम से श्रद्धालु ऊपर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं तकरीबन 1038 सीढ़ियां चढ़कर भी श्रद्धालु नीचे से पैदल जा रहे हैं और काफी संख्या में लोग श्रद्धालु जो है तो पैदल जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से काफी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से वैन में लोग जा रहे हैं, जितने संख्या में लोग वैन में जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आगर मालवा कहां, जहां से मेरे सहयोगी मनीष मारू इस समय मौजूद है। मनीष, इस समय मंदिरों से कैसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, दो साल के बाद इतने धूमधाम से नवरात्रि मनाई जा रही है। तो कोरोना काल के बाद जो देखिए बहुत मंदिरों से हमने तस्वीरें आपको सीधी दिखाई हैं, किस तरह से तांता लगा हुआ है भक्तों का, भक्तों में उत्साह भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि राय कवार, वेंकटेश द्विवेदी, मनीष मारू और अमितांश जोशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए और मंदिरों से सीधी तस्वीर हमें साझा करने के लिए।